सो हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपके पालतू जानवर भी सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, मैंने ना अभी कबूतर खोले अपने, ये वाले जोड़े वाले पेटी वाले कबूतर खोल रखे हैं ताकि ये अपना दाना वगैरह खा ले पहले, क्योंकि दाना पड़ा है कोने में। क्योंकि भाई कल रात कबूतर, कल शाम में जो कबूतर खोले तो दाना बहुत सारा डाल रखा है छोटे भाई ने, और मुझे नहीं पता क्यों डाल रखता वो इतना सारा दाना, क्यों नहीं। तो अभी मैंने ये वाले कबूतर खोल रखे हैं और आपको भी बताया इनके वाले जो बच्चे थे, हमने सारे बच्चे जाल में शिफ्ट कर दिए हैं और भाई मैंने उनके बच्चे भी खोल ही दिए हैं, क्योंकि भाई ये अभी खोले हैं, ऐसा नहीं है मैंने इसके अंदर ही रख रखे थे वो, बस मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वजह से। अभी फिलहाल हमारा एक बच्चा और भी अंदर ही है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। वाला निकलना रह गया, अगर वाला भी निकाल देता कौन सा रह गया, एक चोटिल रह गया मेरे ख्याल से, तो उसको भी देखते हैं कहाँ है। तो अंदर ही है, बाहर है भाई। चोटिल तो दोनों बच्चे निकाल दिए, एक वाइट वाला बच्चा था वो रहा वाइट वाला, एक पिलखा था। पिलखा कहाँ भाई, पिलखा देख लेते किधर है किधर नहीं। तो गाइज अपने ये आले दोनों तीनों कबूतर इधर आ गए पानी के लिए, बच्चा भी है। और गाइज हमारे लॉफ्ट में भाई बहुत ज़्यादा कुनेट चल रही है, गर्मी हो रही है काफ़ी, तो गर्मी हो रही है ना काफ़ी, उसकी वजह से ना भाई रोज़ बच्चे मर रहे हैं भाई, रोज़ अंडे में से निकलने से पहले ही। तो ये देख लो ना भाई, चींटी लगी पड़ी है यहाँ पे, ये देखो कितनी सारी चींटी लग रही है भाई। एक बच्चा और रखा था यहाँ पे, अब वो मेरे को नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं, यहाँ पे रख रखा था पूरा बच्चा निकला हुआ था, पर वो भाई मर गया निकलने से पहले। और ये दोनों अंडे बच्चे कौन से वाले हैं भाई, जो हमने हरी के नीचे बच्चे रख रखे थे ना, क्योंकि हरी ने सबसे बाद में रखे थे अंडे। और अभी हमारे इन कबूतरों में से कौन सी जोड़ है जो ऐसे अंडों पे नहीं बैठ रही, तो भाई जब वो ऐसा करेगी ना तो हम उसके अंडे शिफ्ट कर देंगे हरी के नीचे। और भाई मैं ऐसा करना भी चाहता हूँ इस जोड़ के साथ, ये जो अपनी लाल वाले हैं और इसके अंदर अभी बच्चे हैं उन्हें खोलना नहीं मैंने। और भाई ऐसा करना चाहता हूँ मैं इस जोड़ के साथ, इसके नीचे कितने अंडे रखे हैं। तो अभी फ़िलहाल इसके नीचे दो अंडे रखे हैं यार, अब ये नहीं पता दो अंडे कौन से हैं इसके कौन से नहीं। तो इसके नीचे एक भाई मेरे ख्याल से इसका है सिराज का, क्योंकि इसके नीचे तीन अंडे शिफ्ट थे ना कल तक। तो भाई अभी इसके अंडे हटा देता हूँ मैं और इसके अंडे पहुँचा देता हूँ हरी के नीचे, क्योंकि भाई हरी ने ना अभी ताजे अंडे रखे थे। कर देते हैं इनको शिफ्ट जल्दी से, और भाई ये रख लेगी चोटिल बच्चे निकलवाने इस बार, तो भाई चोटिल बच्चे ही हैं इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो गाइस अभी इनको शिफ्ट करने वाले हैं हरी के नीचे। भाई अपने ये वाला बच्चा भी निकालना है, पिलखा कह रहा हूँ ये, सॉरी लाल वाला। तो गाइस ये लाल बच्चा भी निकाल दे ताकि ये भी अपना दाना वाना करना सीख जाए अच्छे से। तो भाई मैंने अंडा रख दिया, काली बैठी हुई है, ये भी सब बैठे हुए हैं, इसमें कोई पट्टा ऐसा नहीं है अपने पास जिसे मैं बाहर निकाल सकूं। तो अभी फिलहाल इन्हें भी खोल ही देते हैं। और अब ये क्या पड़ा है इधर अंडा, अबे ये अंडा ये किसने दे दिया होगा यहाँ पे, क्योंकि भाई सब सबका अपना अपना खाना बना हुआ है और ये भाई अंडा यहाँ पड़ा है यार, ये कैसे हो गया, फिर समझ से बाहर पहुँच गई बात। तो इसको उठा के देखते हैं किसका अंडा है यार किसका नहीं। अबे हाँ गाइस ये अंडा नहीं है, कवर है भाई। अब दिखा मेरे को भी यार, मैं भी शौक हो गया था, अब यार ये अंडा किसने दे दिया। तो गाइस इसके अंदर से ना बच्चा निकला था, आपको भी अब देखो यकीन हो गया, अभी निकला कल निकला ये बच्चा। और अभी देख लो हमारे लॉफ्ट के अंदर कोई बच्चा भी नहीं है ना इसके नीचे बच्चा, क्योंकि इसके नीचे पहले से एक बच्चा है, वो नीला पिलखा निकल रहा है अब। तो भाई वो नीचे इसके बच्चा है और इनके में भी कोई बच्चा नहीं है, इनके भी बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो ये देख लो भाई सबके बच्चे निकल गए। अब देखते हैं हरी बैठती अंडों पे नहीं बैठती, तो भाई हरी वाली तुरंत एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि भाई इसके अंडे हमने फेंक दिए थे ना, क्योंकि हमें इसके बच्चे नहीं चाहिए थे। और भाई इसके नीचे हमने रखे थे दो अंडे ऐसे ताजी ताकि जल्दी से बच्चे निकल जाएं और ये पाल ले, पर ऐसा नहीं हुआ यार, वो मर गए बेचारे दोनों बच्चे निकलने से पहले ही। तो अभी एक्सेप्ट कर लिया उनने और अपने पट्टे वगैरह खुले हुए हैं सारे, तो अभी दाना वाना तो रख ही दिया। ओए ये देख लो भाई कितनी तेज निकली स्पीड में, तो इन्हें भी खोल ही देते हैं अपना, ये भी खा भी लेंगे कुछ भाई, और अपना पानी भी रख देते हैं ताकि अपने वाले कबूतर भी पानी वगैरह पी लें, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़रूरी है अपने कबूतरों के लिए, खोलते नहीं पानी वानी पियेंगे, दाना वाना खाएंगे उस कोने में आराम से। और अपने लॉफ्ट में और क्या हो रहा भाई, लॉफ्ट के अंदर सारे कबूतरों को बस यही चल रहा भाई लॉफ्ट में, भाई बच्चे ना बिल्कुल भी नहीं बच रहे भाई, तीन दिन हो गए। और एक नया कबूतर पकड़ा है वो भी दिखाता हूँ आपको भाई। और एक बैड न्यूज़ ये भी है कि अपना एक कबूतर था, अपना एक कलदुमा पट्टा था भाई, वो अब नहीं रहा हमारे साथ, क्योंकि भाई कल भाई पता नहीं क्या कर रहा था क्या नहीं, वो मैं नहीं जानता भाई,
उसने भगा दिया उस पट्ठे को। भाई अपने पास अब पट्ठे जो 6-7 पट्ठे थे ना, 6-7 पिछली झोली के जो निकले थे, 7-8 पट्टे निकले थे। आपको भी पता 7-8 पट्टे निकले थे। आपको शौक भी करवाया कौन कौन से पट्टे निकले थे कौन से नहीं। इस बार के 5 पट्टे निकले हैं, जो 5 पट्टे हमने शिफ्ट कर दिए उसके अंदर आपके सामने। अभी तक जिस भाई ने वाली वीडियो नहीं देखी, 5 पट्टे निकले एकदम शानदार पट्टे हैं, वो हमने जाल में शिफ्ट कर दिए हैं। और अभी जो बच रहे हैं हमारे पास, कौन कौन से पट्टे बच रहे हैं, पिछली झोल के जो बच्चे निकले थे वो पिछली झोल के बच्चे हमारे पास कौन कौन से हैं। एक ये सबसे बड़ा पट्टा है जो कि हम गाइस हम अपने सिराजी पट्टे पे थे। भाई सिराजी पट्टा निकला था इस, ये तो हमारा मोदीनगर का पहला पट्टा था जो कि भाई अपने वहीं निकला था। तो भाई इसकी गिनती हम उसमें नहीं करते हैं कि हमारा पट्टा है ये, क्योंकि भाई ये यहाँ नहीं निकला था, यहाँ की लोफ्ट की बात चल रही थी हमारे पास। जो इसके बाद पट्टा निकला था, दूसरा पट्टा अपनी जरद निकली थी, वो जो पीछे वहाँ बैठी है ना, बेटी और बाप बैठे हैं भाई दोनों सर कोने में बैठे ना। जरद थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आपको, वहाँ पे बैठे हैं कोने में भी। तो भाई वे निकले थे, तो भाई उसमें का दूसरा पट्टा वो हो गया। तीसरा पट्टा कौन सा निकला था हमारे पास, निकला था वो अपना सफ़ेद और कलदुमा, जो ऐसा पिलखा पट्टा था ना अपने पास। पिलखा पट्टा कहाँ गया यार, पिलखा पट्टा भी गायब हो गया क्या, अभी तो यहीं था। तो गाइस पिलखा पट्टा है किसके अंदर, अभी इधर दिखा दूँ, इधर होगा। तो गाइस इसके जैसा एक पिलखा पट्टा हमारे पास पहले भी था, काले कलर का था, वो थोड़ा सा चाप सी बन रही थी उसके, तो उसका भाई था और कलदुमा था। और फोटो भी लगा देता हूँ मैं आपको, देख लेना। तो भाई वो कलदुमा पट्टा कल रात यार भाग गया, पता नहीं गिर गया यार अंधेरे में, क्या हुआ क्या नहीं। तो भाई मैंने फोटो लगा दिया है आपको, और जिस भाई ने पकड़ा हो तो आप कमेंट कर बताना कि भाई मेरे पास है, तो मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर लेना। जो हमारा भाई नंबर तो डाल ही रखा है मैंने, और कॉन्टेक्ट कर लेना। और क्या भाई हमारे अब तक के भाई कितने पट्टे निकले, भाई 7-8 पट्टे निकले थे, अब बच कितने रहे हम पे, एक पट्टा बच रहा है सिर्फ, वो वाला जरद बच रहा है, उसके अलावा कोई पट्टा नहीं बच रहा। और ये जो पट्टे दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, ये इस झोल के हैं, वो झोल के अलग पट्टे थे, ये अलग झोल के पट्टे निकले हैं। और जो अब निकलेंगे ना दोबारा अंडे रखे हैं, वो अलग झोल के बच्चे निकलेंगे। और भाई अभी तक तो भाई 3-4 पट्टे और निकल गए होते, क्योंकि भाई मर चुके हैं अभी। ऊपर लोफ्ट में निकले थे 3 पट्टे, वे भी मर गए। नीचे निकले 4 पट्टे, भाई 4 अंडे रख रखे थे नीचे कबूतरी में, 4 पट्टे निकले थे, 3 पट्टे वे और 4 पट्टे ये, 7 पट्टे मर चुके हैं अभी, छोटे छोटे से, जो कि मैंने सोची भी नहीं थी भाई ऐसा होगा लोफ्ट में अपने। चलो कोई बात नहीं, अब जो होता है यार होता है, क्योंकि भाई आज क्रॉस वेंटिलेशन के लिए इनके लिए बन नहीं रहा है। भाई बच्चे निकलते हैं, दिखता नहीं होगा इन्हें क्या होता है क्या नहीं, वो मैं भी नहीं जानता। और भाई अली कबूतरी अंडे भी नहीं रख रही है, इसने एक कबूतर एक अंडा रखा है, एक के बाद रखा नहीं। और गाइस हमारा कबूतर भागा तो भागा, चलो भाई मुझे उस बात का दुख नहीं है कि हमारा कबूतर भागा। तो भाई पट्टे हैं, नादान है, इधर उधर भटक जाते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो जो भाई हमारा पकड़ता है ना, तो यार बता दिया करो कि भाई मैंने पकड़ा है, अगर हम पूछते हैं तो, अगर नहीं पूछते तो वो बात अलग है भाई, बता दिया करो, तसल्ली होती है कि हमारी चीज़ हाँ उस भाई के पास है। चलो कोई बात नहीं, है तो है, लेनी ना लेनी वो हमारे ऊपर है कि लेनी है कि नहीं लेनी है उन्हें। तो अभी हमने ना कल रात ना एक पट्टा कबूतर पकड़ा था, तो वो भी भाई अब हमारे भाई कुछ कहेंगे कि भाई ये कबूतर हमारा है, पहले दिखाई देता हूँ, हमारा नहीं भाई, मतलब कि हमारा ही बताएंगे कि ये भाई आपका ही कबूतर है, ये आपने पकड़ा नहीं है, ऐसा बोलोगे भाई लोग, पर ऐसा नहीं है भाई, ये हमने पकड़ा ही। और चटक देखोगे ना कितने कबूतर में, किसी ना सोची ना होगी। तो भाई ये है काला पट्टा जो कि रात पकड़ा भाई अंधेरे में, तो भाई अंधेरे में आ गया था कबूतर, शाम का टाइम था बंद करने का, तो भाई ये कबूतर पकड़ा, ये देख लो दिख गई होगी हालत आपको कैसी हो रही कैसी नहीं। और अपने काले जितने भी ना, एक जोड़ येरी काले की, एक काला ये रहा इस पेटी का, एक काली येरी मादिन, ये वाली जोड़ ये बैठी काली की, और भाई अपने पास यही काले थे, 5 काले आपको पहले भी दिखाया था मैंने। और ये तो जोगिया वगैरह आएंगे, जोगिया वगैरह मैं कालों में नहीं गिनता हूँ, क्योंकि भाई वे अपने प्योर काले नहीं है, प्योर काले की बात चल रही है अभी फिलहाल। ये देखो काफ़ी प्यारा पट्टा है, बस थोड़ा सा यार हवा में है, अब देखते हैं नया लखवा होगा इसमें भी। तो ये देखिए जरा दाखो कबूतर है, सोचता रहूँ मैं इसे ऐसे खोल दूँ, पर ऐसा नहीं करूँगा मैं, अभी फिलहाल इसको मैं छोड़ देता हूँ जाल के अंदर। और भाई जिस भाई का हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं दे भी दूंगा भाई, मेरी आदत नहीं है ऐसी कि मैं किसी का कबूतर पकड़ूं और रख लूं। तो मेरे भाई जिसका हो मुझसे कांटेक्ट करना, मेरे से ले जाना जिसका कबूतर है ये, तो मैं दे दूंगा भाई, फ्री में ही दे दूंगा, पैसे नहीं मांगूंगा, बस पहचान बताना कबूतर की, क्या पहचान है क्या नहीं, तो तुम्हारा भाई दे देगा। फोटो भी होना चाहिए भाई उसके पास, बंदे के पास जो आएगा ना इस कबूतर को लेने के लिए, कि भाई मेरा कबूतर है,
तो भाई फोटो दिखाना, वीडियो दिखाना और पहचान बताना, ले जाना कबूतर। तो मेरे भाई, तुम्हारे भाई की आदत नहीं है ऐसी कि भाई मैं कबूतर वबूतर रखूंगा किसी का, किसी भाई का, तो भाई निकले ना, बस इस बात का डर है। भाई बंद कर दिया हमने फिलहाल इसको, इसको अभी जाल में छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद, ताकि ये जाल में रहे। तो बस फिलहाल यार आज के लिए इतना ही, तो बस रखते हैं अभी ने, जल्दी से दाना वाना करते हैं। लॉफ्ट में क्या हो चल रहा था, हमारे भाई बच्चे निकला था, बच्चे मर गए। एक कल्दू में पट्टा था अपना, सबसे प्यारा और सबसे बड़ा कबूतर था लॉफ्ट में, वो भी मर गया। उसका पट्टा, उसका भाई पहले भाग गया था, खोल के चला गया था, ऐसे खोल के चला गया था मैं नीचे, तो भाग गया। कोई बात नहीं, अब वो भाग गया, उसका भी क्या कर सकते हैं, ये तो भागते आते जाते रहते हैं। बस दुख इस बात का, हमारे घर का पट्टा रहता है ना भाई, इस बात का दुख रहता है, और ज़्यादा दुख नहीं रहता मेरे को कि हमारे घर का पट्टा भागता है, हम इतनी मेहनत से निकलवाते हैं और भाग जाता है ना, तो दुख होता है काफ़ी यार। बस अभी तक की उस झोल का बच्चा एक बच रहा है, ये वाला, जो कि भागा नहीं है। अब इससे उम्मीद भी नहीं रखता कि मैं ये भागेगा, क्योंकि भाई एक नंबर बच्चा है, और उसका बाप भी एक नंबर है भाई। ची ची करता हुआ पकड़ा था बिल्कुल छोटा, जैसे हमारे ची ची करते हुए छोटे छोटे बच्चे भाग गया ना, ऐसे ही ची ची करता हुआ पकड़ा था, और आज तक भाई साथ में ही है। बच्चे पाला, एक नंबर पाला बच्चे। भाई कबूतर यार परेशान कर रहे हैं अंदर, ये देखो यार बच्चे को मार रहा है, ये देखो क्या हाल कर रहा है, इतना नालायक हो रहा भाई। जब से इसकी मादिन मरी है ना, इसकी हरकतें अलग हो गई हैं भाई। बच्चे बच्चों को नहीं छोड़ रहा नालायक, और बच्चा देखो क्या कैसा निकल रहा है, बच्चा ये निकल रहा है, छोटा सा है और काफ़ी प्यारा बच्चा निकल रहा है, पर क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ दें इसके अंदर। ये इसके अभी माँ बाप आएंगे और दाना खिलाएंगे, और इस भाड़ू को हम बाहर कर देते हैं, क्योंकि भाई इसकी हरकत ही अलग है डमरू की। बच्चे इसकी मादिन यार हमारे पास थी ना, वो मर गई है। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या हुआ अपने लॉफ्ट में क्या नहीं। अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप गाइस आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।